मतलब हमारा जिला कांगड़ा, और जिला कांगड़ा का हमारा अपना गांव आलमपुर, और आलमपुर में हमारे जैन भाई जी हैं, इनकी एक बिरयानी की दुकान है, और साथ में हमारे भैया जी, वो यहाँ पर जो है वो एक इन्होंने बोला है कि कोबरा है, देखते हैं कोबरा है कि कौन सा है। ये बहुत देर से जो है मतलब दोपहर से ये वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं स्कूल से वापस आया, तो अभी देखते हैं कि कौन सा सांप है और कितना लंबा है, कितना साथियों। यहाँ ये जो चूहों के बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के लिए ये ज़्यादातर आते हैं। इनका मकसद कोई इंसानों को काटना नहीं है, लेकिन ये जो दुकान में चूहे होते हैं, क्योंकि जहाँ अनाज होगा वहाँ चूहे होंगे, और जहाँ चूहे होंगे वहाँ ये सांपों का आना जो वो बिल्कुल लाजमी है। तो साथियों, ये एक बहुत ही खतरनाक सांप और जहरीला सांप यहाँ छिपा हुआ है, और ये चूहों के लिए ही यहाँ आया हुआ है। कैचर होगा वहाँ, कैचर ये चूहों के बच्चे हैं, जिनके लिए ये पूरी घात लगा के बैठा हुआ है, और इस घात के चक्कर में जो कई बार यहाँ किसी का हाथ या पांव चला जाएगा, और उस हाथ या पांव में जो फिर ये काट देता है। तो ये शायद कोशिश बाहर की तरफ भी करेगा जाने की, तो मेरा ये तो ये वो कोबरा सांप है। छोटा आता है, उसको ले आना। ये है स्पेक्टेकल कोबरा, यानी कि बहुत ही खतरनाक सांप। इसमें न्यूरोटॉक्सिक, और ये बिल्कुल इस पर एग्रेसिव है। काटने के लिए जो है ये वो सांप है, ये वो सांप। यानी ये चूहों के लिए आया हूँ, इसका मकसद कोई इंसानों के लिए काटना नहीं है, लेकिन हो सकता है आप इसको मार देते या कोई दूसरा मार देता, क्योंकि डर जो है वो एक कोबरा है। कौन सा है? कॉमन कोबरा। अच्छा, जहरीला तो बथेरा होता है। हाँ, न्यूरोटॉक्सिक बन गया। नमस्कार नमस्कार, आ जाओ इधर। न्यूरोटॉक्सिक इसमें जहर होता है, क्योंकि अगर ये कभी भी काट जाए तो मेरी ये सलाह है कि हमेशा हॉस्पिटल जाना है, हार्ट बहुत कंट्रोल करना, क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिक बहुत होता है।
जिस स्पेक्टेकल कोबरा यानी कॉमन कोबरा जिसका रेस्क्यू हमने आलमपुर करियाने की दुकान में किया था उसको दूर जंगल ले आया हूँ जहाँ इसको आज़ाद कर दिया जाएगा। ये साथियों अपने पर्यावरण में जाता हुआ